morning. Good morning everyone. Good morning. Very 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 good morning. Sunrise हो चुका है. Weather थोड़ा धुंधला है. बादल है चारों तरफ. नीचे ये रहा इलाम स्कूल हेरिटेज नेशनल एकेडमी. और अभी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा टू दी डेस्टिनेशन सांदकफू. रात ही हम लोग बात कर रहे थे जो होटल वाले यहाँ पे जो भाई था उससे, तो वो भी यही बोल रहा था कि ज़्यादातर क्लच जल जाता है, क्लच टूट जाता है, तो ये सब वो एक रहता है. पर कोशिश करना है, ठीक से उठना है. निर्वाण पे मुझे भरोसा है. और सुइकत से कल रात को बात हुआ यहाँ पे, नेटवर्क आया तो वो कल इंडिया साइड में गया था जाके पैसा उठा के. नेपाल फिर एंटर किया और करने के बाद वहीं पे होटल पे रुक गया था. अभी वो 5:30 बजे निकल चुका है अपने होटल से, यहाँ के लिए आ रहा है. अभी तो घड़ी में बज रहा है 6:30. सांदकफू यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और लगभग जाने में 5-6 घंटा लगेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जाने के बाद ही जो रास्ता ख़राब होना शुरू होगा वो फिर ख़त्म नहीं होगा सांदकफू तक. सो लेट्स जस्ट बिगिन दी जर्नी टू सांदकफू. ये इलाम है यहाँ सांदकफू. लोकल लोगों ने बताया कि लगभग 65-70 किलोमीटर दूर है और सैकत भी आ चुका है. सैकत आज सवेरे निकला, जहाँ पे वो चेक पोस्ट है वहाँ पर वो रुक गया था. कल गया इंडिया से पैसा उठाया, फिर वहीं पे रुक गया और आज सुबह वो 6 बजे निकला, अभी 8 बजे यहाँ पे पहुँच गया. हम लोग इस तरफ गलत चले गए थे, मायापुर के रास्ता आगे से ऊपर उठना पड़ेगा. हम लोग सीधा यहाँ से आए, आकर सीधा उस तरफ उल्टा चले गए. मायापुकड़ी जाने के लिए आपको जब इस तरफ से आते हो इलाम के तरफ से आने के बाद ये रास्ता मिलेगा, यहाँ से अभी ऊपर चढ़ना होगा. इस तरफ है मावू. मावू का रास्ता जो है वो इस तरफ जाता है और ये वाला रास्ता जाएगा आपका मायापुकड़ी होते हुए. ऑफ रोड चालू और नहीं, ऑफ रोड ख़त्म, अभी चालू नहीं हुआ है. ऑफ रोड चालू हो चुका है और ये आगे सांदकफू तक और बढ़ेगा. ये है माय पोखरी, यहां से फिर माय मजुआ, फिर कालो पोखरी, फिर दिके भंजन, फिर सांदकफू. यहाँ पे कल थोड़ा सा बारिश हुआ था तो थोड़ा भीगा हुआ है रास्ता. इसको देखो, ही लाइक्स टू टेक चैलेंजेस. उसको बोल्डर से भी वो स्टोन चिप अच्छा लगा. संदकपुर कार्यालय जाने बाटो, तो मुझे पूछ लेना है. संदकपुर इस तरफ. और ये दोनों किसी को पूछा नहीं, सीधा चला गया. ये इन लोगों का प्रॉब्लम है. अब मैं कितना जाऊँ नीचे इन लोगों को पूछने, जब मालूम चलेगा खुद ही आएगा ये लोग. ये सब मुझे बहुत ख़राब लगता है. अरे पूछ लो यहाँ पे जब लोग हैं, पर पूछेगा नहीं. मतलब इन लोगों को गाड़ी चलाने से मतलब है. वो दो लोग उल्टा तरफ चले गए. वो लोग आएगा तो उनको बोल दीजिएगा इधर जाने के लिए. सांदकपुर जाएगा वो थोड़ा आगे जाएगा. हाँ, वो रास्ता है, वो नीचे का रास्ता ही है ना. हाँ, वो रास्ता जाना पड़ेगा. साथ में सब आया, 3 V-Strom. अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ सोलो. मुझे मालूम नहीं कब तक वो लोग को रियलाइज होगा कि नहीं मैं पीछे नहीं हूँ. देखिए बारिश हुआ तो ये हाल है. अभी गाड़ी अभी कीचड़ कीचड़ हो जाएगा. मैं इधर चला गया, इधर कीचड़ है. दाजू ने बहुत हेल्प किया गाड़ी को पीछे खींचने में. थैंक यू राजू. देखिए पैर भी पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया. राजू सांदकपुर. ये लोग कब तक आएंगे
या आएंगे भी नहीं, वहाँ से कोई दूसरा रास्ता मिल गया उधर से चले जाएंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है। राजू संदकपुर सीधा साइड से मुझे जाना नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या सही डिक्लाइन है मेरे भाई। शायद आप लोगों को कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा, रास्ता ना ऐसा है, ऐसा भी मालूम नहीं आगे और कितना चैलेंजेस मिलने वाला है। देखिए सुईकॉट और अनिर्बल सुईकॉट आ गया। एक है ना तू आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते तारातारी कर एकदम आस्ते। এই সাইডে গাড়ি রাখো, ये पहला ब्रिज है। अब इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जंगल है, जाना है इस तरफ गीतांग ब्रिज, गीतांग खोला, ये जगह है गीतांग खोला, तो यहाँ से जाना होगा ये दाया तरफ। तो आज का पहला वाटर क्रॉसिंग, सामने ये आ गया है बाड़ीकोला ब्रिज, वो गीतांग ब्रिज गया, इसके बाद ये बाड़ीकोला ब्रिज। इस ब्रिज को ध्यान में रखते हुए जाना है आपको, फिर ये ब्रिज क्रॉस करके उस पार जाना है, सीधा नहीं जाना है, सीधा जाओगे तो फिर गलत रास्ते चले जाओगे। सही में क्या खतरनाक रास्ता है संदकपू का। वैसे संदकपू हम लोग बोलते हैं इंडिया में, और नेपाल में से कहा जाता है संदकपुर। मेरा गला सूख रहा है एकदम, अब उठना तो उठना ठीक है, इसी रास्ते से वापस भी आना है। यह है मितेरी चौक,
इस तरफ इलाम, इस तरफ संदकपुर, जैसे इंक्लाइन है उससे दुगना है कालोपुखरी के बाद। सच में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पीति बहुत आसान है, बहुत स्पीति बहुत आसान है। मतलब स्पीति मतलब जो लोसार से चंद्रताल, चंद्रताल से फिर स्पीति मनाली हाईवे से होकर जो आप ग्रामपू तक आते हो, जो रास्ता खराब बोला जाता है, माना जाता है, वो बहुत अच्छा है। इससे ये उससे कई गुना खराब रास्ता है, कई गुना। अरे कोथा दाड़ो, अरे अनिर्बाण दाड़ो एखने। এখানে কেউ দাঁড়ায়? এদিক দিয়ে, এদিক দিয়ে টানো 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 টানো। ऑटो 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 ऑटो, लगता है हम लोग पहुंचने वाले हैं कालोपुखरी। आज मैंने पहली बार विस्टम को, विस्टम का फैन चलते हुए मैं सुन रहा हूँ, इधर फैन चल रहा है। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मेरा फैन कभी आज तक नहीं चला, अभी भी नहीं चल रहा है। और ये सुजुकी से मैंने कंफर्म किया था मैंने कि 149 डिग्री क्रॉस करता है हीट गाड़ी का, तब जाके फैन चालू होता है। तो सुईकोत का चल रहा है फैन। वो उधर ऊपर है कालोपुखरी, उस तरफ बादल आ गया तो दिखाई नहीं दे रहा है। सुईकोत को देखिए, सो गया है। सच में सांदकपू, सांदकपू सच में टफेस्ट है, टफेस्ट। ये बहुत टफ है, बोल्डर वाला रास्ता, ऊपर से बाली भी रहता है, उतना चौड़ा रास्ता नहीं है, खाई है, और जो इंक्लाइन है मैं आपको समझा नहीं सकता। जब तक आप यहाँ पे आओगे कैमरे में इंक्लाइन समझ में नहीं आता है, जब तक आप यहाँ पे ना आओगे वो इंक्लाइन समझ नहीं पाओगे। 2016 के बाद मैं अब आया हूँ कालोपुखरी। 16 में ट्रेक करके आया था, फिर 21 में टोंगलू, और इस बार नेपाल के साइड से मैं आया हूँ कालोपुखरी। ये रास्ता पीछे चला गया कालोपुखरी के लिए, तो अभी मैं कालोपुखरी नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी 1:30 बज रहा है। सांदकपू जाने में अभी भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो आते वक्त कालोपुखरी घूमूंगा, कालोपुखरी का जो लेक है, पोखरी मतलब लेक है। कालोपुखरी क्रॉस करने के बाद बस हम लोग पहुंचने वाले हैं बीके भंजन। कैसा लग रहा है? बहुत मजा लग रहा है, बहुत मजा लग रहा है। सुईकोत, हाउ इज द जोश? हाय सर, ले रहा है कोका 30 और चिल्ला रहा है। सर ऊपर जो दिख रहा है घर आपको, वो है सनराइज, सनराइज होटल, और वही है सांदकपू। हॉनिट वन गिर गया था, गाड़ी उठा के बस ऐसे ही खड़ा है वो अभी। हंसते हंसते हंसो हंसो, अभी रास्ता इतना इंक्लाइन है कि हम लोग एक एक करके गाड़ी उठा रहे हैं। मैं वहाँ पे था अनिर्बाण के जगह में, सुईकोत ऊपर, पहले सुईकोत का गाड़ी उठाया गया, उसके बाद अनिर्बाण का।
अनिर्बान, सुइकत और मैं भूख से हालत खराब है। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं कि मैगी खाने। ये कल क्या रहा कस्टम ऑफिस के वहाँ पे पूरा नेपाली भाषा सीख के चला है, हुंचो फुंचो ये सब बोल रहा है। We did it! ये रहा हम लोगों का गाड़ी तीनों भी स्ट्रॉन्ग। ये है नेपाल सांदकपू, मतलब सांदकपू नेपाल की ओर से, और ये रहा हम लोगों का होटल। चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, ताला मेरे दिए सो तातरी। ये है सांदकपू इंडिया की ओर से, ये है नेपाल की ओर से सांदकपू, वो है होटल सनराइज। वहाँ पे हम लोगों का बाइक रखा हुआ है। आल व्यू पॉइंट जो है, आल जाने का रास्ता ये है। सशस्त्र सीमा बल SSB सल्यूट। दार्जिलिंग 58 किलोमीटर यहाँ से, मानेभंजन 31 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 31 किलोमीटर है मानेभंजन। अगर इंडिया की ओर से हम लोग जा पाते तो मानेभंजन यहाँ से सिर्फ 31 किलोमीटर है, पर यहाँ से रास्ता बंद है तो आप जा नहीं सकते हो। अनिर्बान, मैं और सोईकत, हम लोगों ने कर दिखाया। हैप्पी होली। हैप्पी होली। बंगाली कोथा थेके? केस्टोपुर थेके। एटुकुनी बच्चा हतो बाइक आसिनी, चार चाका एसे एटा वन ऑफ द टफेस्ट रोड्स। ओ जोहुन बाड़ीते आसबे गाड़ी एरम हेलते 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 केरम आसछिलो गाड़ी हेलते हेलते एकदम पुरो जाना मन हच्छे आमरा बसे आछि ताओ नाच करछि। भय लागछिलो जे ढालगुलो जे भय लागछिलो कतरा भय लेगेछे? थांदकफू जिसका ऑल्टीट्यूड है 3336 मीटर और ये है वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पीक। इधर से ऊपर है आल व्यू पॉइंट। आल तो हम लोग नहीं जाने वाले, देखेंगे अगर कल सुबह टाइम मिलता तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। थांदकफू का खासियत है यहाँ से स्लीपिंग बुद्धा, कंचनजंगा स्लीपिंग बुद्धा का जो व्यू है वो 360 डिग्री व्यू में दिखता है। एकदम आप आई लेवल पे देखोगे कंचनजंगा को। यहाँ से दुनिया का सबसे ऊंचा 5 पर्वत श्रृंग में से 4 यहाँ से दिखता है, माउंट लोस से, माउंट मकालू, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। लास्ट टाइम जब मैं 2016 में यहाँ पे ट्रेक किया था, हम लोग इस तरफ से आए थे ट्रेक करके, और वहाँ कोई एक होटल में हम लोग रुके थे। यहाँ पे मैं बैठ के धूप के मजे ले रहा था। लीव नथिंग बट फुटप्रिंट एंड टेक नथिंग बट मेमोरीज। फिलहाल मैं आ चुका हूँ होटल पे, क्योंकि बाहर एकदम पूरा क्लाउडी वेदर है, मतलब कंचनजंगा एकदम क्लाउड से ढका हुआ है, इतना ऊपर तक क्लाउड है और पीछे कंचनजंगा है बादल के पीछे, ना तो एवरेस्ट दिख रहा ना 360 ना कंचनजंगा। सनसेट भी हो गया, वो दूर बस एक लाल किरण दिख रहा था, सूरज का आभा दिख रहा था। तो बस उम्मीद ये है कि रात तक आसमान एकदम साफ हो जाए ताकि नाइट लैप्स हम बना पाए। अभी हम लोग जा रहे हैं करने डिनर, घड़ी में बज रहा है 8। यह है सनराइज होटल एंड रेस्टोरेंट। अभी मैं हूँ रूम में, डिनर कर लिया। यहाँ पे जो हम लोगों का भाड़ा लगा इस रूम का, आप देख सकते हो, इस रूम का भाड़ा लगा हम लोगों को 1500 बोला था उन्होंने, पर 1300 लिया, और हम लोग 3 आदमी हैं यहाँ पे। डिनर का था वेज मील 250 और चिकन मील 350। हम लोगों ने 2 चिकन मील लिया, 1 वेज मील लिया, चिकन शेयर कर लिया। अभी भी बादल एकदम धुंधला है, मैंने थोड़ा सा टाइम नाइट लैप्स किया, कंचनजंगा फिर से ढक चुका है बादल से, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं रात के 2:30 बजे एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि कंचनजंगा अगर दिखता है तो अनिर्बान को बोल के उसको उठा के DSLR ले जाके फोटो उठाने का और नाइट लैप्स करने का। बाकी कल सुबह उठ के जाना है, सनराइज़ देखना है, कंचनजंगा देखना है, एवरेस्ट देखना है, लोसा देखना है, मकालू देखना है, फिर सुबह यहाँ से निकलना है घर की तरफ। कल या तो शिलीगुड़ी में रुक जाएंगे हम लोग या इस्लामपुर कहीं पर रुक जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे घर वापसी करेंगे। बाकी ये सब दोनों सो चुके हैं और मैं बस अभी सोने वाला हूँ। 2:30 बजे 3 बजे उठ के एक बार मैं कोशिश करूँगा, देखते हैं नसीब अच्छा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा।